हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट राजलेशन। आज दोस्तों आप सभी के साथ एक मुद्दे के साथ बात करना चाहूँगा। आप सभी को पासपोर्ट के बारे में शायद कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। तो पासपोर्ट एक ऐसा चीज़ होते हैं जिसे हम बिना साथ लिए कहीं नहीं जा सकते, अपना देश से बाहर नहीं जा सकते। और पासपोर्ट का मतलब ये कह सकते हैं, दिस इज़ द नंबर वन आईडी एंड एड्रेस प्रूफ प्रोवाइडेड बाय एनी गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट का अलग अलग के रूल हिसाब से उसे पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अपने सिटीजन को। तो फिलहाल दोस्तों आज हम बात करेंगे अबाउट पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक के हिसाब से। तो कोविड पैंडेमिक के हिसाब से मतलब बहुत कुछ किस्सा अभी चेंज हो चुका है। तो उसमें कुछ किस्सा हो गया है, ज़्यादातर की इफेक्ट पड़ा है अमेरिकन पासपोर्ट के साथ, कि भी अमेरिकन जो पासपोर्ट है और अमेरिका को जो वो वीज़ा भी है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट और वीज़ा होल्ड करते हैं। तो राइट नाउ ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन उसका रैंक जो है, अमेरिकन पासपोर्ट का जो रैंक है वो अभी बहुत नीचे आ चुका है ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। बिकॉज मतलब अब तक अमेरिका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस होल्ड कर रहे हैं एंड इवन 1,35,000 के ऊपर बंदे वहाँ पे डेथ हुआ है। तो इसी के दौरान अभी उसका पासपोर्ट का रैंक बहुत ही नीचे गया है, मतलब बहुत नीचे जा चुका है। अभी इट्स लाइक 7th पोजिशन में है विद अ होल्डिंग लाइक 158 कंट्रीज अलाउ कर सकते हैं, मतलब 158 कंट्री उसे अलाउ करते हैं विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के हिसाब से बिफोर पैंडेमिक। बट अभी बहुत नीचे आ चुका है। कैसे होते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। एक पासपोर्ट रैंकिंग किस हिसाब से होते हैं, कोई भी एक कंट्री का आप पासपोर्ट होल्डिंग कर रहे हो उस कंट्री का उस पासपोर्ट के साथ रैंकिंग कैसे होता है। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक बंदा कितने हिसाब से वो मतलब कौन सा देश का पासपोर्ट लेके कितना फ्रीक्वेंटली वो ट्रैवल करते हैं, उसका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कितना देश के साथ वो ट्रैवल कर सकता है विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस के साथ, तो उसी के हिसाब से उस देश का पासपोर्ट का रैंकिंग बनते हैं। तो ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन अमेरिका का जो पासपोर्ट होल्डर्स रहते थे उन सभी का पासपोर्ट एक बहुत ही अमेजिंग पासपोर्ट था, रैंक बहुत ज़्यादा था पहले, क्योंकि ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से अभी बहुत नीचे आ चुका है। इट्स लाइक अभी उसको कंपेयर कर सकता है मैक्सिको या फिर उरुग्वे के साथ। तो अभी फिलहाल मैक्सिको का पोजिशन 25th में है अलाउिंग 158 कंट्री वो अलाउ करते हैं विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल, और 28th पोजिशन में हो गया उरुग्वे जो कुछ भी लगभग 158 के आसपास कंट्री वो अलाउ करते हैं विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। बट किस हिसाब से हो गया है अमेरिका का इतना नीचे, क्योंकि अभी देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग करते हैं केसेस अमेरिका, डेथ केसेस भी ले रहा है अमेरिका। तो उसी हिसाब से क्या यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, कुछ मतलब अभी टेम्पोरली कुछ महीने के लिए, अभी कितना आगे तक जाएगा वी डोंट हैव आइडिया अबाउट डैट। तो अभी यूरोपियन यूनियन ने उसे टोटली बैन कर दिया गया है बिकॉज द पीपल फ्रॉम द US कांट ट्रेवल टू द यूरोपियन यूनियन राइट नाउ। तो उस हिसाब से अभी बहुत कंट्री ने बैन कर दिया गया है कि आप US के बंदे हो तो आप अब वहाँ जा नहीं सकते हो। तो इसी के दौरान अभी US का वीज़ा का रैंकिंग बहुत ही नीचे आ चुका है। और क्या कहे, हम तो कुछ नहीं कह सकते ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक के हिसाब से ये कुछ हो गया है। तो पासपोर्ट का रैंकिंग जिस हिसाब से होते हैं, मतलब मेन थिंग हो गया उस देश का जो पासपोर्ट होल्डर है उस पासपोर्ट को लेके विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के हिसाब से कितना देश घूम सकते हो, उसी के हिसाब से पासपोर्ट का रैंकिंग हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी पासपोर्ट का रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पोजिशन में है जापान विद अ होल्डिंग ऑफ 191 कंट्री विदाउट वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल के साथ वो जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। सेकेंड पोजिशन में आते हैं सिंगापुर होल्डिंग लाइक 190 के आसपास, वो 159-190 के आसपास उसका वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा विदाउट वीज़ा कंट्री वो ट्रेवल कर सकते हैं। और थर्ड पोजीशन में आते हैं जर्मनी और साउथ कोरिया, थर्ड पोजीशन में। तो उस हिसाब से होते हैं। और फिलहाल उस जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में है, अभी फिलहाल हम लोग का इंडिया का पोजीशन है 84 पोजीशन पे अभी हम लोग है। हम लोग का ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हमारे भी चेंजेस हुआ है 84 पोजीशन में टीम लाऊँ अभी तक हम, और हो बिफोर पेंडेमिक के हिसाब से हमें 58 डेस्टिनेशन के लिए विदाउट वीज़ा हम जा सकते थे। तो यही कुछ किस्सा आप सभी के साथ मैंने शेयर किया, देख सकते हो एक छोटा सा किस्सा लेके अभी कितना बावल हो चुका है, इतना मतलब छोटा सा एक बीमारी के हिसाब से बहुत कुछ किस्सा भी हो चुका है हम सभी के साथ। तो ऐसा ही कुछ किस्सा है। तो फिलहाल तो अमेरिका का पासपोर्ट का वैल्यू एज कम्पेयर टू द मैक्सिको और उरुग्वे के साथ अब कंपेयर कर सकते, इतना नीचे उसका रैंकिंग गिर गया है तो ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। एक छोटा सा किस्सा आप सभी के साथ मैंने शेयर किया, होप इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर द लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।